हेलो। तो मैंने 3 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के, जिसमें मैंने रेडियन से डिग्री क्या होता है और एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, फिर मैंने ग्राफ ट्रिग्नोमेट्री के, फिर वो 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा क्वाड्रेंट में चेंज में कैसे पॉलिटिक ये अपना ट्रिग्नोमेट्री चेंज होता है, वो सब मैंने बता दिया। आज जो टॉपिक है वो ट्रिग्नोमेट्री के आने वाले डबल एंगल ट्रिपल एंगल के सवाल जो आते हैं जेईई मेंस और एडवांस में, उस टाइप के हम फॉर्मूले क्या होते हैं वो डिस्कस करेंगे आज, और कुछ एग्जांपल्स भी इसमें डिस्कस होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मुझे ये पता होना चाहिए कि आपको sin a + b sin a - b cos a + b cos a - b ये पता होगा। ठीक है, ये मैंने लिखवा रखा है अपना लेक्चर नंबर 2 में, ये कैसे आया है वो सब बताया मैंने, और वहां से फिर मैंने आपको sin a + sin b sin a - sin b शायद ये बाकी रह गया, तो पहले ये बात कर लेते हैं sin a + sin b कैसे होता है। तो भाई sin a + sin b इसका वैल्यू निकालना हो, ठीक है, तो अपने को जो पता है वो अपने को क्या पता है कि sin a + b कितना होता है, sin a + b और प्लस sin a - b। अगर मान लो कोई ऐसा बोले कि इसका सम करो तो कैसे करेंगे, तो मैंने काम किया, इसको मैं ले लिया अल्फा और मैंने इसको ले लिया बीटा। ठीक है, और वही आप समझ रहे हैं जो ये अल्फा और बीटा लिखा हुआ है, इस टाइप के हिसाब समझिए आप। तो sin a + b की फॉर्मूला क्या हो गई, sin a + b की फॉर्मूला हो गई sin a cos b, ठीक है, प्लस cos a sin b। इसी प्रकार से sin a - b क्या होगा, sin a cos b - cos a sin b। तो यहाँ पर कैंसिल आउट कौन हो गया, cos a sin b कैंसिल आउट हो गया, तो sin a cos b आ गया 2 टाइम आ गया। अच्छा, यहाँ पर अल्फा क्या था, अल्फा था a+b और बीटा क्या था, a - b। तो अगर मुझे ए निकालना है अल्फा बीटा के टर्म में तो क्या होगा, इसको मैं ऐड कर दिया तो अल्फा प्लस बीटा विल बी 2a, तो a = अल्फा प्लस बीटा बाई 2। सो कहना है इसे a = अल्फा प्लस बीटा बाई 2। एंड सिमिलरली अगर मुझे बी एंगल चाहिए अल्फा बीटा के टर्म में तो मैं क्या कर लूंगा, मैं कर लूंगा डिफरेंस, तो डिफरेंस में क्या आएगा, अल्फा - बीटा और यहाँ पर एक कैंसिल आउट हो गया, -2b आया, तो आपका ये हो गया, सॉरी +2b, तो b हो गया अल्फा - बीटा बाई 2। सो ये बन जाएगा आपका cos α - β/2 ऐसा। तो ये फॉर्मूला आगे निकल गया आपको, तो sin α + sin β कितना होता है, 2 sin α + β का आधा और cos α - β का हाफ। ठीक है, तो इसी प्रकार से बाकी के 3 फॉर्मूला आए होंगे, तो करना ये रहेगा आपको हर बार यही सोचना। जैसे मैं आपसे पूछूं कि sin a + b - sin a - b, तो आप वही परंपरा अपनाना, इसको अल्फा ले लेना इसको बीटा ले लेना, तो sin a + b पता है sin a - b पता है, तो आपको यहाँ पर क्या होगा ये टर्म बचेगा, तो ये बन जाएगा 2cs, और 2cs में जो अपना ए आएगा उसको कैसे रिप्लेस कर देंगे, किससे रिप्लेस कर देंगे, तो 2 sin 2 cos सम का आधा और दूसरे में क्या आएगा डिफरेंस का आधा। ठीक है, तो अब बाकी के फटाफट बात कर लेते हैं। इसी प्रकार से cos α + cos β आया होगा c + c, मैंने याद रखा हुआ है 2cc, 2cc का मतलब ये हो गया c मतलब cos, और जब जब मैं s बोलूंगा तो आप समझेंगे sin, पर पहले वाले में क्या होगा सम होगा और दूसरे वाले में क्या होगा डिफरेंस होगा, डिफरेंस का आधा, और लास्ट में cos α - cos β ये कितना हो जाएगा -2SS। आप बोलोगे आप माइनस कैसे आ गया, वही परंपरा है, अगर आप cos a + b - cos a - b करोगे तो क्या होगा, cos a cos b आएगा, -sin a sin b आएगा, ये तो पढ़ा पता होगा आपको cos a + b, और माइनस में cos a cos b
प्लस साइन ए साइन बी होगा, तो देखो यहां पर कॉस ए कॉस बी कट गया तो -2 SS आता है, इस वजह से -2 आया है, ठीक है। और ए को क्या रिप्लेस कर दिया, अल्फा प्लस बीटा बाई टू, यहाँ कितना आएगा अल्फा माइनस बीटा बाई टू। तो आप ये चार फॉर्मूले याद कर लीजिए, क्या एस प्लस एस कितना होता है 2SC, एस माइनस एस कितना होता है 2CS, सी प्लस सी कितना होता है 2CC, सी माइनस सी कितना होता है -2 SS, ऐसे याद हो जाएगा। पहले वाले पार्ट में सम का आधा करना है, दूसरे वाले पार्ट में डिफरेंस का आधा करना है, क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब इसी प्रकार से अब अगला रास्ता जो है वो मल्टीप्लाई का रास्ता है। मल्टीप्लाई का रास्ता मतलब ये कि अब आपसे कोई पूछे कि 2SC बताओ, मतलब 2 sin alpha cos beta, तो आपको पता है कि 2SC आया कैसे, 2SC आया कैसे, s प्लस एस से आया, तो जरूर यहां पर क्या आएगा फॉर्मूले में, s प्लस s। मैं पहले ऐसे लिख रहा हूँ आपको याद रहेगा, रास्ता वही है, एस साइन ए प्लस साइन बी कितना होता है 2 sin a + b/2 कॉस ए माइनस बी बाई टू, तो उल्टा रास्ता क्या है। तो अब हम मल्टीप्लाई से कहाँ जा रहे हैं, प्लस और डिफरेंस में जा रहे हैं, तो मैं पूरा इस हिसाब से लिखवा दे रहा हूँ, 2CS 2 cos alpha 2CS साइन बीटा, तो ये हो जाएगा साइन लफड़ा माइनस साइन लफड़ा। लफड़े का मतलब क्या होता है वो बताता हूँ मैं आप, ठीक है, आप वो मत समझे जो आप समझते हैं, लफड़े का मतलब अंदर क्या आएगा वो लफड़ा मेरे हिसाब से। अगला फॉर्मूला है 2CC 2 cos alpha cos beta, ये होगा C+C, ये होगा C+C, और फाइनली 2SS 2 sin alpha sin beta, यहाँ पर आएगा C-C। यहाँ पर कुछ नहीं करना, यहाँ पर हाफ नहीं करना, यहाँ पर सिंपल सम करना है, डिफरेंस करना है, यहाँ पर सिंपल सम करना है, डिफरेंस करना है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ क्या करना है, सम करना है, डिफरेंस करना है, घर पे बैठ के आप निकाल सकते हैं कैसे आया हुआ ये, यहाँ पर डिफरेंस करना है, यहाँ पर सम करना है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो C cos alpha - beta लिखा है, तो cos alpha cos beta प्लस sin alpha sin beta हुआ होगा ये, और इधर क्या लिखा हुआ है, cos alpha cos beta - sin alpha sin beta, तो माइनस माइनस वो प्लस हो जाता है, अगर आपने फ्रंट पे प्लस कर दिया और पीछे माइनस कर दिया तो यहाँ पर आगे माइनस लगा देना, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो चार फॉर्मूले वो sin a + b sin a - b, cos a + b cos a - b, चार फॉर्मूले पिछले वाले कौन से, sin a + sin b, 2 sin सम का था डिफरेंस का था, ये चार फॉर्मूले, और दूसरे आखिरी चार मल्टीप्लाई से प्लस माइनस पे जाना, सिंपल, ठीक है। इसे कुछ सवाल कर लेते एक बार, तो आप लोग थोड़ा सा आइडिया कैसे सवाल करते हैं इस पे, 1 मिनट है। इसके सवाल पहला सवाल लिखते हैं, आप पहले खुद ट्राई करिए फिर मैं कराता हूँ, ठीक है भाई। पहला सवाल ये है, sin 7 थ्रीटा - sin 3टा अपॉन sin 8 थ्रीटा - sin 2 थ्रीटा, ये आपको प्रूव करना है cos 4 थ्रीटा - sec 5 थ्रीटा, 1 मिनट, हाँ ये आपको प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे इसको, आप पॉज करके खुद करिए, आपने कर लिया होगा, अब मैं कराता हूँ, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, पहले आप आ जाओ फॉर्मूले पे, तो s माइनस s मतलब मेरे हिसाब से sin a - sin b की फॉर्मूला, ये रही s माइनस s, तो क्या होगा 2CS, और सम का था डिफरेंस का था, आप फॉर्मूले बगल में रखिए संभाल के, ठीक है, आप फॉर्मूले बगल में रखिए संभाल के, ओके। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, s - s 2CS, नीचे कितना आएगा s - s, अगेन यहाँ पर भी क्या होगा 2CS आएगा, ठीक है। तो
सम का आधा, तो 7 थीटा प्लस थीटा, 8 थीटा का आधा कितना हो गया? 4 थीटा। डिफरेंस का आधा 7 थीटा माइनस थीटा, 6 थीटा का आधा कितना हो गया? 6 थीटा। नीचे वाले में क्या आएगा? वही सम का आधा, तो 8 प्लस 2 10 का आधा 5 थीटा, और डिफरेंस का आधा, तो डिफरेंस कितना हो गया? 6 का आधा 3। तो बधाई हो, साइन मर गया, 2 मर गया, तो क्या बचा? कॉस 4 थीटा अपॉन कॉस 5 थीटा, 1 अपॉन कॉस कितना होता है? सेक 5 थीटा। ठीक है, तो ऐसे सवाल करना है। तो ये हो जाएगा आपका कॉस 4 थीटा, और ये हो जाएगा आपका सेक 5 थीटा के बराबर। कोई दिक्कत? चलिए अब आते हैं फॉर्मूले पे जो बना गया है। जैसे सबसे पहला फॉर्मूला साइन 2 थीटा कितना होगा? ठीक है, तो मुझे, तो मैंने क्या पढ़ा अब तक, मुझे साइन ए प्लस बी पता है, तो मैंने 2 थीटा को ऐसे तोड़ दिया, थीटा प्लस थीटा में ब्रेक कर दिया, तो साइन ए प्लस बी यानी कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ओहो ये तो सेम ही निकला, तो ये क्या बन गया? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सिंपल। अगला फॉर्मूला ये याद कर लो फॉर्मूले, ठीक है ना, ये सवाल में काम आएंगे। अगला फॉर्मूला है कॉस 2 थीटा, अगला फॉर्मूला है कॉस 2 थीटा, तो कॉस 2 थीटा इसको कैसे करेंगे सॉल्व? देखो ये बन जाएगा आपका कॉस ए प्लस बी, मैंने 2 थीटा को ब्रेक कर दिया थीटा प्लस थीटा में, ठीक है। ओके, तो कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये बनेगा, तो ये बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहली फॉर्मूला ये क्या होता है? कॉस टू थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ओके, यहां से एक दो फॉर्मूले और आ सकते हैं। कैन आई से कि कॉस स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और पहले से माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये क्या बन जाएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ठीक है। तो एक और फॉर्मूला आ गई, मतलब अगर आपको सवाल में साइन स्क्वायर थीटा ही चाहिए या साइन थीटा का फॉर्म में चाहिए, तो आप कॉस 2 थीटा को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और तरीका भी है, इसको मैं एक और तरीके से मॉडिफाई कर सकता हूँ। आप समझ गए होंगे सर, साइन स्क्वायर को भी हम कॉस स्क्वायर कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, हाँ तो कर लो, मैंने क्या मना किया है। तो यहां से एक और बच्चा भी जन्म ले सकता है जिसका नाम पढ़ा, घर में क्या हुआ है? घर में कॉस स्क्वायर थीटा हुआ है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये बन गया तीसरा फॉर्मूला। अब सबसे ज्यादा जो उपयोग होता है वो फॉर्मूले के रूप में ये और ये लोग, भाई अगर आपको कॉस टू थीटा कहीं दिखे, अब ऐसा नहीं कॉस टू थीटा ही दिखेगा, एग्जामिनर बोल रहा हूं मैं कब से, एग्जामिनर हरामी होता है, वो आपको छोड़ेगा नहीं, तो आपको उसकी नजर सोचना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे कॉस 4 थीटा बताओ, तो आप क्या समझोगे? अच्छा मतलब 4 थीटा सर 2 थीटा का डबल लिखा हुआ है, ओके तो अब मुझे जाना है 2 थीटा में जाना है, तो रास्ता कौन सा अच्छा लगेगा? तीनों रास्ते मेरे पास है भाई, वो क्या रहा है? डबल से सिंगल एंगल आ रहा है, डबल से सिंगल एंगल आ रहा है, तो 4 का आधा कितना हुआ? 2 थीटा, तो इट कैन बी रिटर्न एज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा ऑल्सो, और यू कैन से 1 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1, ये आपकी मर्जी। जैसे अगर कॉस लिखा हुआ है 6 थीटा, तो क्या बन जाएगा? ये 2 कॉस स्क्वायर 3 थीटा माइनस 1, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 3 थीटा, बस आपको आधा एंगल करना है, ये रास्ता है। रास्ता क्या है? 2 थीटा अगर आपको चाहिए और आपको थीटा पता हो, तो आप 2 थीटा निकाल सकते हैं। फिर से, अगर आपको 15 डिग्री मालूम है, तो आप 30 डिग्री निकाल सकते हैं। अगर आपको 45 डिग्री मालूम है, तो आप 90 डिग्री निकाल सकते हैं। समझ में आया रास्ता? एप्लीकेशन बहुत बढ़िया।
ये तीनों फॉर्मूला। अच्छा, यहां से एक और तरीका भी है, इस एक और सवाल भी आते हैं। मैंने क्या किया, जैसे कॉस टू थीटा निकाला मैंने, अब मुझे मान लो साइन स्क्वायर थीटा लिखना है कॉस टू थीटा के टर्म में, मतलब मुझे इसको लिखना है, तो क्या किया मैंने, यहां से मैंने क्या किया, टू साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1 माइनस कॉस टू थीटा। तो ये रास्ता है, जब भी आप 1 माइनस कॉस 2 थीटा देखें, जब भी आप 1 माइनस कॉस 4 थीटा देखें, 4 थीटा, तो खट से दिमाग में क्या आना चाहिए, अच्छा 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, क्योंकि 2 थीटा क्या हुआ है, आधा हुआ है। अगर आपको 30 डिग्री मालूम है तो आप 15 डिग्री निकाल सकते हैं, तो आपको 15 डिग्री वैल्यू, फिर से कह रहा हूं, अगर आपको 2 थीटा मालूम है तो आप 3 थीटा साइन के फॉर्म में निकाल सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा फॉर्मूला बन गया। इसी प्रकार यहां से अगर आप इसको डिड्यूस करेंगे तो 2 cos² θ बन जाएगा 1 plus cos 2 θ। तो ये इसको जब भी देखें तो ये लगा ले, जब भी आपको डबल एंगल पता हो तो आप उसका आधा एंगल निकाल सकते हैं। अगर आपको 45 डिग्री पता हो तो 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री निकाल सकते हैं। अगर आपको 30 डिग्री पता है तो आप 15 डिग्री निकाल सकते हैं। ये होता है फायदा इसका, समझ में आया? ठीक है, तो मैं जब वैल्यू निकालने जाऊंगा तो मैं इन्हीं प्रभु को याद करूंगा। फिर आप ये मत कहना कैसे सोचा आप, ठीक है? तो ये फॉर्मूले आप अपने व्हाइट पेपर पे लिख कर आराम से अपने जहां पढ़ते हैं वहां पे सामने चिपका दीजिए। और आपको एक दिक्कत आने वाली है, अभी फॉर्मूला बहुत कम है, अभी फॉर्मूला बहुत कम है, धीरे धीरे फॉर्मूला बढ़ेगा। तो आपको ये जैसे हनुमान चालीसा आप याद करते हैं पढ़ पढ़ के बिना मन से ही सही, पर आप वो हनुमान चालीसा जैसे पढ़ते हैं डेली 5 मिनट निकाल कर एक बार फॉर्मूले देखना पड़ेगा सुबह उठते ही। अगर आप ये 21 दिन फॉलो करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, मैं नाम बदल दूंगा अगर आपको याद नहीं, क्योंकि मैंने भी अपने तैयारी में ऐसे ही किया था। 21 डेज का फॉर्मूला, हर दिन 5 मिनट निकाल कर एक क्या करें, डायरी ले लें, डायरी छोटी सी, उस डायरी में फॉर्मूले जितने भी आपके ऐड हो रहे हैं वो लिख लीजिए, फिर वो फॉर्मूला को रखिए डायरी अपने जेब में। जैसे ही आप कभी खाली हुए, आप जैसे पढ़ाई करके खाली हुए, दोस्तों से कोचिंग से निकले तो खाली बैठे हैं, नाश्ता कर रहे तो खाना, जल्दी खाना नाश्ता कर लिया, मतलब आप कभी 5-10 मिनट फ्री हुए, खट से डायरी निकालो एक बार, ऐसे जैसे डायरी पढ़ते हैं फॉर्मूला देख लिया, अच्छा ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है, बस बिना मन के ही सही पढ़ लो एक बार। और ऐसे आपको डेली करना, हैबिट डालो, हैबिट, आप देखना अपने आप सवाल करते करते वो फॉर्मूले अपने आप दिमाग में आने लगेंगे। तो दिमाग में आना आता कब है, चीजें जब वो दिमाग में फिट हो जाते हैं। तो पहले फिट करिए, फिर आपसे सवाल हिलेंगे, वरना आप हिल जाएंगे। समझ में आया? आगे बढ़ते, तो मैंने cos 2 थीटा की फॉर्मूला, sin 2 थीटा की फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ साइन कॉस बताइए। अब मुझे ये sin 2 थीटा की फॉर्मूला अगर लिखनी है 10 थीटा के फॉर्म में, ओनली 10 थीटा फॉर्म में, तो ये बन जाएगी आपकी 2 tan θ / 1 plus tan²θ। सर आपने फॉर्मूला निकाली कैसे, मेरे पास हर एक चीज का प्रूफ है। तो sin 2 थीटा वैसे होता क्या है, 2 sin θ cos θ, ठीक है? मैंने क्या किया, 10 थीटा लाना है मार्केट में, तो मैंने 10 थीटा तब आएगा जब इसको मैं कॉस थीटा दूंगा डिवाइड में, तो मैंने जानबूझ के कॉस थीटा डिवाइड मल्टीप्लाई किया। अब ये जो बन गया 10 थीटा, इस कॉस स्क्वायर को नीचे फेंक दिया तो sec²θ का उल्टा लिखा हुआ है, sec² को लिख लिया 1 plus tan²θ। देखो आ गया, आपको गोल पता होना चाहिए कहाँ जाना है, आपको 10 थीटा जाना था 10 थीटा में, तो आपने क्या किया, सिंपल कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, जिससे साइन अपॉन कॉस क्या बन जाए, आपका 10 बन जाए। बात समझ में आई क्या? ओके, तो इसी प्रकार से cos 2 थीटा की फॉर्मूला हो जाती है 1 minus tan²θ। तो cos 2 थीटा होता है 1 minus tan²θ / 1 plus tan²θ। अब ये कैसे निकाला आपने सर, बहुत आसान है भाई, cos²θ - sin²θ था फॉर्मूला, cos²θ - sin²θ, ऐसा फॉर्मूला मैंने इसको लिख लिया। मैंने क्या किया, एक मिनट, 1 minus tan²θ, ठीक है,
1 + tan² थीटा हो गया आपका ये, ओके। मैंने क्या कि जानबूझ के cos² थीटा कॉमन निकाल दिया जानबूझ के, तो ये बन गया 1 - sin² थीटा अपॉन cos² थीटा। देखो फिर टारगेट वही था, टेन थीटा जैसे भी आ जाए, तो इसको लिख लिया मैंने cos² थीटा और ये बन गया 1 - tan² थीटा। ठीक है, ये cos² कितना होता है, 1 / sec² थीटा, और सीकेंड स्क्वायर क्या होता है, ए 1 + tan² थीटा 1 - tan² थीटा, समझ में आया। ठीक है, तो ये दो हथियार, अगर मैं पूछूं कि sin²θ tan θ में बताओ, तो आपको समझना है कि सर ये वाली फॉर्मूला डिमांड कर रहे हैं, cos²θ इन टर्म्स ऑफ tan θ चाहिए तो सर ये वाली डिमांड कर रहे हैं, तो sin²θ की एक, cos²θ की वो तीन, ये 1 2 3 4 5 और 6 और 7 गिनना, ठीक है ना। ओके आगे बढ़ते हैं, अब तो सर tan²θ कितना हो जाएगा, सर sin²θ अपॉन cos²θ, अगर दोनों को डिवाइड करूंगा तो न्यूमरेटर अपॉन न्यूमरेटर बचेगा, बिकॉज दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो tan²θ कितना आया, 2 tan θ अपॉन 1 - tan²θ। तो ये आप याद कर लीजिए, tan²θ कितना होता है, 2 tan θ अपॉन 1 - tan²θ। ठीक है, अब आते हैं एक और फॉर्मूला पे भाई, कॉस, हाँ ये अपना tan²θ क्या होता है, tan²θ होता है sin²θ अपॉन cos²θ, होता है sin²θ क्या लिखवाया था मैंने अभी, 1 - cos²θ/2, देखो ये लिखवाया था ना मैंने sin²θ, यहां से कितना हुआ 1 - cos²θ, 1 - cos²θ अपॉन 2, और cos²θ क्या होगा, 1 + cos²θ/2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 - cos²θ/2 और ये हो जाएगा 1 + cos²θ/2। ठीक है, तो ये आपका बन गया नया फॉर्मूला, 1 - cos²θ अपॉन 1 + cos²θ, ये किसकी फॉर्मूला आ गई, tan²θ का। क्लियर है क्या, ओके एक और फॉर्मूला होता है, जैसे मान लीजिए आपका लिखा हुआ ये, हाँ tan θ - cot θ, ये फॉर्मूला वैसे लिखा नहीं होगा आपके मॉड्यूल में, ये फॉर्मूले काम आते हैं एप्लीकेशन में, तो मैं इन सबको लिखवा रहा हूँ, इसलिए ये कोई भी सवाल अच्छे सवालों में काम आ चुका है, तो मैं इस हिसाब से करवा रहा हूँ, tan θ - cot θ, तो मैंने इसको क्या लिख लिया, तो ये बन जाएगा sin θ/cos θ और ये बन जाएगा cos θ/sin θ। ठीक है, तो अगर मैं सामने लूंगा तो ये बन जाएगा आपका sin²θ, ये बन जाएगा आपका cos²θ और ये हो जाएगा sin θ/cos θ। देखो ऊपर वाले को जानता हूं मैं, ये लिखा हुआ है माइनस, ये बन जाएगा आपका cos²θ, ठीक है ना, cos² - sin² होता है cos²θ, तो माइनस में हो जाएगा क्योंकि ये sin² आगे लिखा है cos² पीछे लिखा हुआ है, और मैंने क्या किया जानबूझ के 2 भी दे दिया, तो जैसे ही 2 इसको मिलेगा मतलब, तो नीचे क्या बनेगा, 2 sin θ cos θ बनेगा, तो ये बन जाएगा आपका -2, ये बन जाएगा आपका sin²θ, तो cos²θ अपॉन sin²θ कितना होता है, cot²θ होता है, तो ये आपका बन गया। मतलब कभी भी आप सवाल में 10 50 -cot 50 देखें तो -2 cot 100 हो जाएगा ऐसा, बट इट कैन बी रिटन एज -2 tan 10 डिग्री, 90 + θ है ना, 90 + θ, 90 से क्या होगा, फंक्शन चेंज होगा, तो कॉट का 10, 10 का कॉट, साइन का कॉस, साइन ऐसे फाइन का कॉस ऐसा बनेगा, और 90 + 10 है तो सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए, तो 10 cot क्या हो गया, नेगेटिव, तो 10 2 tan 10 डिग्री बना, तो सिंप्लीफिकेशन में 10 cot साथ में दिखे तो काम आता है। ठीक है, चलिए अगला, हाँ
कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये क्या बनेगा? तो ये बनता है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, ये कॉस लिखा है ठीक है, तो इसको भी लिख लीजिए फॉर्मूला, ये सब फॉर्मूले सवाल में काम आएंगे। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। आपको कॉस ए प्लस बी पता है, कॉस ए माइनस बी पता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, आपको कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी मिल जाएगा ठीक है। इसी प्रकार से साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। अगर आपका खून उबाल मार रहा है कि नहीं सर बताओ कैसे, आज तो बता के जाओ वरना हम सब्सक्राइब नहीं करेंगे, अनसब्सक्राइब कर देंगे, तो मैं इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि आप सब्सक्राइब करेंगे अनसब्सक्राइब करें, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा उससे मुझे फर्क पड़ता है। तो मेरे मन में ऐसा रहता है कि मैं भाई साहब मैंने जिस हिसाब समझा है अपने सर से, क्योंकि सर ने मुझे समझाया था कि भाई कैसे कैसे आया, तो मैं वो खाली आने दूंगा नहीं। अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर आप मुझे कमेंट करके लिखिएगा सर आप मुझे हर एक चीज को आप समझाइए एक्सप्लेन करिए, मतलब प्रूफ दीजिए, अगर आपको प्रूफ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है तो मुझे कोई परवाह नहीं, पर मुझे पता है कि आपको प्रूफ सुनना है तो मैं करवा देता हूं कि आपकी दिल की बात डायरेक्ट मेरे कानों में मेरे दिलों में आ रही है, ये मेरा दिल है मेरा कान है, बिकॉज आई एम मैथमेटिशियन, सो लेट सपोज दिस इज माई हार्ट दिस इज माई ईयर विच इज वेरी बकवास लाइन। ओके आगे बढ़ते, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी ऐसा बनेगा, और ये बन जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी वाली फीलिंग आ रही है, तो ये क्या बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने इसको लिखा कॉस स्क्वायर बी को लिख लिया वन माइनस साइन स्क्वायर बी, वन माइनस साइन स्क्वायर बी ठीक है, और कॉस स्क्वायर ए को लिख लिया वन माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। तो आप देखें साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस में, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर बी कट गया, तो पहले वाले टर्म में क्या बचा साइन स्क्वायर ए बचा, और इधर वाले टर्म में क्या बचा माइनस साइन स्क्वायर बी बचा है। हो गया प्रूफ, समझ में आ गया, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बचा। ओके इसका मतलब सर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर एग्जामिनर ना दे तो क्या देगा, वो आपको कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी भी दे सकता है। इसको मैं एक और तरीके से भी लिख सकता हूं, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस वन माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर, वन तो कट गया, वन तो कट गया, पता है ना कैसे कटना होता है, बहुत बढ़िया। तो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए की फॉर्मूला भी यही आएगी ठीक है। तो साइन स्क्वायर का डिफरेंस हो या कॉस स्क्वायर का डिफरेंस हो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, अथवा इसको मैं लिख सकता हूं वन माइनस साइन स्क्वायर ए वन माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो कॉस स्क्वायर भी आ जाएगा फ्रंट में और साइन स्क्वायर आएगा पीछे, तो यही फॉर्मूला किसके लिखी हुई है, यही लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, तो भी यही आएगा। समझ में आ गया, आज का मैं सिर्फ जितने भी फॉर्मूले आए हैं उन सबका प्रूफ दे रहा हूं ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं टेन ए प्लस बी पर, टेन ए प्लस बी कैसे आया, तो सिंपल है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, सिंपल है बहुत बढ़िया। कैसे लाया होगा इसको मैंने, इसको मैंने साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी तो लिखा होगा, फिर मैंने इसको लिखा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और यहां पर मैंने कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी ऐसे लिखा। तो मैंने जानबूझकर इस पूरे मार्केट में मैंने डिवाइड कर दिया सबको, इसको भी डिवाइड किया इसको भी डिवाइड किया,
कॉस ए कॉस बी से, तो कॉस ए कॉस बी से जब ये डिवाइड होगा तो कॉस बी मर जाएगा और साइन ए अपॉन कॉस ए बन जाएगा टेन ए। ये भी कॉस ए कॉस बी से डिवाइड हुआ है तो कॉस ए कट जाएगा, साइन बी अपॉन कॉस बी बन जाएगा टेन बी, यहां तो वन आ जाएगा। ये कॉस ए कॉस बी से डिवाइड हुए हैं तो साइन ए अपॉन कॉस ए बन गया टेन ए और साइन बी अपॉन कॉस बी बन गया टेन बी, तो ये फॉर्मूला है ठीक है। और उसी प्रकार से टेन ए माइनस बी में बस फर्क क्या होगा, साइन का फर्क हो जाएगा बिकॉज यहाँ पर साइन का फर्क है, यहाँ पर भी साइन का फर्क है, यहाँ पर भी साइन का फर्क हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन बी, टेन ए टेन बी होगा। बात समझ में ठाकुर, टेन ए माइनस बी कितना हो गया, टेन माइनस एन बी अपॉन वन टू सेवन। आपको कभी कभी कॉट ए प्लस बी देखने मिलेगा, कॉट ए प्लस बी, तो मैं तो क्या लिख लूंगा इसको, वन अपॉन टेन ए प्लस बी लिख सकता हूं, क्योंकि मैं तो भाई साहब पानी पूरी बेच के जस्ट अभी अभी आया हूं, ज्यादा मुझे पता नहीं, जो मेरे साहेब ने जो मेरे गुरु ने सिखाया है वही मैं जानता हूं। तो मैंने बस भाई कॉट ए प्लस बी पूछोगे तो वन अपॉन टेन प्लस बी कर दूंगा ठीक है। तो वन अपॉन टेन प्लस बी क्या हो जाएगा, इसको क्या लिखा भाई, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन टेन बी, यही होगा। मैंने क्या किया, मैंने इसको लिखा वन अपॉन कॉट ए प्लस वन अपॉन कॉट बी वन माइनस वन अपॉन कॉट ए वन अपॉन कॉट बी, समझ में आया, एलसीएम ले लिया मैंने, तो नीचे कितना आ गया कॉट बी प्लस कॉट ए और एलसीएम चढ़ा गया कॉट ए कॉट बी माइनस वन, कॉट ए कॉट बी कट गया एलसीएम में। तो ये आ गया फॉर्मूला, याद नहीं करना है, याद ये जो रख के जाना एग्जाम में 5 मिनट क्या 5-10 सेकंड में आप फटकर निकाल लोगे ये। इसी प्रकार से कॉट ए माइनस बी क्या आया होगा, ये बना होगा आपका कॉट ए कॉट बी प्लस वन और यहां आया होगा कॉट बी माइनस कॉट ए, नॉट कॉट ए माइनस कॉट बी, क्यों, क्योंकि आपने यहां लिखा होगा वन अपॉन टेन ए माइनस बी, या टेन ए माइनस एन बी बना होगा, तो एलसीएम में कॉट बी पहले आएगा कॉट ए बाद में आएगा, समझ में आ गया क्या। तो ये आपका हो गया अगला फॉर्मूला कॉट ए माइनस। पर जो एप्लीकेशन बेस्ड सवाल होते हैं उसमें ज्यादातर आपको दिखने मिलेगा इसको, मैं इसका ज्यादातर जो यूज होते हैं वो ज्यादातर इसमें काम आते हैं, जैसे टाइन टेन पाई बाय फोर माइनस थ्रीटा, तो टेन पाई बाय फोर मतलब वन हो गया, तो वन माइनस मतलब वही लगा रहा हूँ फॉर्मूला, टेन माइनस एन बी की फॉर्मूला, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए वन टेन बी टेन थ्रीटा। तो आप कभी भी ये दिखे ना या कभी भी ये दिखे तो फट से लगा देना वन माइनस टेन थ्रीटा अपॉन वन प्लस टेन थ्रीटा। इसी प्रकार से टेन पाई बाई फोर प्लस थ्रीटा दिखे तो ये जाएगा वन प्लस टेन थ्रीटा अपॉन वन माइनस टेन थ्रीटा, ठीक है, सॉरी उल्टा दे दिया मैंने, हाँ ए माइनस बी सही 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 सही, ये हो गया आपका पूरा ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं साइन थ्री थ्रीटा पे, तो साइन थ्री थ्रीटा होता है साइन टू थ्रीटा इंटू थ्रीटा, साइन टू थ्रीटा प्लस थ्रीटा ठीक है, तो इसको मैंने लिखा साइन टू थ्रीटा कॉस थ्रीटा कॉस टू थ्रीटा साइन थ्रीटा, मुझे मार्केट साइन थ्रीटा में चाहिए सिंपल सा है, तो इसको मैं लिख इसको लिख लूंगा मैं टू साइन थ्रीटा कॉस थीटा, यहाँ पे पहले से कॉस थीटा है तो क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और वो क्या बन जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मुझे मार्केट साइन थीटा में चाहिए। देखो अब ऐसे यूज करना चाहिए, कॉस टू थीटा की तीन फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, टू कॉस स्क्वायर माइनस वन और वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, तो मैं यहाँ यूज करूंगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, क्यों, क्योंकि मुझे मार्केट चाहिए साइन थीटा, समझ में बात, तो यहां पर बन जाएगा माइनस टू साइन क्यूब थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा, तो माइनस फोर साइन क्यूब आया पीछे और फ्रंट में आएगा टू साइन थीटा प्लस साइन थीटा थ्री साइन थीटा,
तो ये आपका बन गया फॉर्मूला। उसी प्रकार से कॉस 3 थीटा, ये क्या लिखा मैंने इसको, कॉस 2 थीटा प्लस थीटा, तो ये क्या बन जाएगा आपका, सी सी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। मुझे यहां पर क्या रिक्वायरमेंट है, मुझे पूरा मार्केट चाहिए कॉस थीटा में, तो इसको मैंने क्या लिखा, 2 cos² थीटा माइनस 1 into cos थीटा, और इसको तोड़ दिया मैंने 2 cos थीटा sin थीटा में, साइन थीटा और साइन थीटा पहले से ही है, तो साइन स्क्वायर क्या बन गया, 1 minus cos² थीटा बन गया। तो यहाँ पे 2 cos³ थीटा प्लस 2 cos³ थीटा है ना, माइनस माइनस, तो 4 cos³ थीटा, और पीछे बन जाएगा -cos -2cos -3 cos थीटा। तो 3 थीटा से ट्रिपल में जाने का यही तरीका है। अच्छा, यहाँ पर एक एग्जाम में जो बहुत मॉडल में काम आएगा, वो एक चीज काम आएगा, कभी भी आपको sin³ थीटा अकेला दिखे, अकेला, तो sin³ थीटा यहां से घेर लो, मतलब ये बन जाएगा आपका 4 sin³ क्या बन गया आपका, 3 sin θ माइनस sin³θ बना, और इस 4 को नीचे डिवाइड कर लो, याद नहीं रखना है, पर कभी भी आपको sin³ दिखे तो आप उसको ऐसे कन्वर्ट करने का सोच सकते, ठीक है। और एक और चीज इसमें जो एग्जाम सवालों में आता है, एक सवाल था कि sin³θ बाई sin θ माइनस cos³θ बाई cos θ, ये क्या होगा, हमेशा डज नॉट डिपेंड ऑन थीटा, ये कितना होगा, तो आपने क्या किया, sin³θ नीचे डिवाइड में sin θ चाहिए, तो आपने 1 sin θ कॉमन निकाल लिया, तो ये क्या बन जाएगा आपका, 3 minus 4 sin²θ बन जाएगा ना, sin θ कॉमन निकाला तो sin θ नीचे दे दिया, इसको दे दिया नीचे, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, -4 sin²θ, तो ये बना पहला, ठीक है। उसी प्रकार से cos³θ, तो यहाँ से cos डिवाइड बाई cos θ है, तो ये यहाँ से cos θ, यहाँ से cos θ कॉमन निकाल लूंगा, तो 4 cos²θ माइनस 1, ये जो cos θ नीचे जो लिखा हुआ है वही है, तो नीचे चला गया, तो यहाँ पर देखो आप, -4 -4 कॉमन निकाला, तो sin² + cos² 1 बन गया, और 3 minus minus plus 1 यानी 4। 1 मिनट है, अगर मैं इसको 4 cos² और सॉरी -3 आएगा, ओहो -3, तो 3 + 3 हो गया 6, तो 6 - 4 हो गया 2, तो हमेशा कितना आएगा, 2 आएगा, sin³θ / sin³θ -cos³θ / cos³θ ऑलवेज 2, इट डजंट इट इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, ठीक है। चलिए, tan³θ की फॉर्मूला क्या होती है, 3 tan³θ माइनस, अपॉन 1 - 3 tan²θ, ये कैसे निकाला होगा, मैंने sin³θ अपॉन cos³θ डिवाइड किया, और cos 4 cos³θ से मैंने डिवाइड कर दिया होगा, तो यही आ जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्लियर हो गया, tan³θ sin³θ cos³θ, θ³θ की फॉर्मूला लिख लिए, डबल के एंगल लिख लिए, ठीक है। अब आते हैं कुछ एंगल्स पे, सवाल में कल कराऊंगा, ठीक है। जैसे मान लो मुझे 15 डिग्री निकालना है, sin² निकालना है, cos² निकालना है, tan² निकालना है, तो मुझे इस, जब भी आपको एंगल पूछे तो आप विजुलाइज करो मन में कि कौन सा एंगल आपको पता है, तो इसका आपको डबल पता है, 15 डिग्री का 30 डिग्री पता है, तो अगर मुझे 30 डिग्री पता है सबका, तो मैं निकाल लूंगा, तो मैंने क्या सोचा कि ठीक है, तो sin² निकालना है, तो मैंने sin² 15 निकाला, तो मतलब sin² θ होता है 1 - cos² θ यानी 30 डिग्री बाई 2, खत्म हो गया, और sin² 15 डिग्री पॉजिटिव होगा, क्यों, 15 एक्यूट एंगल है, तो साइन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, जो भी आंसर आएगा उसका रूट ओवर पॉजिटिव में आएगा, तो 1 - √3/2/2 लिखा हुआ है, तो ये बन गया 2 - √3/4, तो रूट ओवर में आएगा, तो ये नीचे हो जाएगा 2, और है ना 4 है ना, ठीक है, और यहां लिखा हुआ है 2 - √3, मैंने जानबूझ के अंदर 2 दिया, तो √2 बाहर है, अंदर 2 ले लिया, तो अंदर लिखा है 4 - √3/2√2, तो ये लिखा हुआ है √3 - 1 का होल स्क्वायर,
सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं, तो ये हो गया √3 - 1/2 √2। इसी प्रकार से कॉस स्क्वायर 15 भी निकल जाएगा, कॉस 15, क्योंकि होता है 1 + cos डबल यानी कि 30 डिग्री बाई 2। तो कॉस 15 कितना आ जाएगा, √3 + 1/2 √2। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या होगा, प्लस है, यहां पर भी प्लस है, यहां पर भी प्लस है, यहां पर भी प्लस आएगा, हर जगह प्लस आएगा। तो कॉस 15 साइन 15 हो गया। टेन 15 कितना होता है, टेन 15 होता है sin 15 / cos 15। एलसीएम सेम है, तो √3 - 1/√3 + 1। इसको अगर √3 - 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो यहां पर बन जाएगा आपका फाइनली √2 - √3, सिंप्लीफाई होकर 10 15 डिग्री। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। जितने भी एंगल बताए हैं, जितने भी फॉर्मूला बताए हैं मैंने आपको, याद कर लीजिए। कल इसके हम इदास गुप्ता के, अब कल हम इदास गुप्ता के सवाल करने के लायक हो गए हैं। समझ में आया? ठीक है, मिलते हैं, बाय।